नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीएसएससी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कब जो बीएसएससी आयोग है उसके द्वारा अब ये बोला गया है कि जो छात्र सेकेंड पाली और थर्ड पाली की जो परीक्षा थी जिसको रद्द करने की मांग की जा रही है, तो जो भी छात्र इस बात को उठा रहे हैं अब उनको 2 से 3 दिनों के अंदर मतलब ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को जो छात्र हैं, जो बीएसएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी है, लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड पाली और थर्ड पाली की भी जो परीक्षा हुई थी सचिवालय सहायक की, उसको भी रद्द करने की अब मांग उठ रही थी। तब जो बीएसएससी आयोग के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि जो भी छात्रों के पास सबूत है वो 2 से 3 दिनों के अंदर लाकर आर्थिक अपराध इकाई को अगर वो देते हैं तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला ये है कि सचिवालय सहायक का 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 23 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 24 तारीख को 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। जो 23 तारीख का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, एग्ज़ाम होने से पहले ही सोशल साइट पर वायरल हो गया था, जिसके बाद जो बीएसएससी के जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो आयोग से और सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि अब जो बीएसएससी के छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो सड़कों पर भी उतर गए थे और पैदल मार्च भी किया था सीबीआई जांच की मांग को लेकर। उसके बाद बीएसएससी आयोग को एक्शन लेना पड़ा और जो 23 तारीख को जो प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ उसको तुरंत रद्द करना पड़ा। फिर रद्द करने के बाद अब सेकेंड पाली और थर्ड पाली की एग्जाम भी रद्द करने की मांग बीएसएससी के छात्रों के द्वारा उठ रही थी। उस पर आपको बता दें कि अब जो बीएसएससी आयोग है साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो भी छात्र हो अगर जो मांग उठा रहे सेकेंड पाली और थर्ड पाली की भी एग्जाम, अगर उनके कहने में अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है अगर वो भी एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात करते हैं, तो जिन छात्रों के पास भी अगर कोई सबूत है कि पेपर वायरल हुआ है तो वो 2 से 3 दिनों के अंदर जो भी उनके पास सबूत है वो लाकर ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को सौंपे। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि जो सेकेंड पाली था और जो थर्ड पाली की परीक्षा था उस पर क्या कुछ होगा। देखिए, इस वक्त की आपको हम बड़ी खबर बता रहे थे, बीएसएससी आयोग से जुड़ी बार बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि बीएसएससी परीक्षा जो हुई थी सचिवालय सहायक का, जिसको लेकर लगातार छात्रों के बीच एक संदेह बन गया था। जिस तरीके से 23 तारीख के प्रथम पाली का जो पेपर आउट हुआ था, उसके बाद लगातार जो बीएसएससी के छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, पूरे 3 शिफ्ट का पेपर जो था उसको रद्द करने की मांग कर रहे थे। हालांकि 1 शिफ्ट का जो पेपर पूरी तरीके से वायरल हुआ था, तो बीएसएससी आयोग के द्वारा 1 शिफ्ट का जो पेपर था उसको रद्द कर दिया गया था। और अब जो बीएसएससी के छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो सेकेंड पाली और थर्ड पाली की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। तो अब बीएसएससी आयोग के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि जो भी छात्रों के बीच अगर कोई सबूत है कि पेपर वायरल हुआ है तो वो 2 से 3 दिनों के अंदर अगर लाकर सबूत आर्थिक अपराध इकाई को सौंपते हैं तो इस पर बीएसएससी आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।